बता दें कि सदर बाजार थाना क्षेत्र में अंधाधुंध चली गोली, दो की हुई मौत और एक हुआ गंभीर रूप से घायल। मामला हम आपको बताते हैं, सदर बाजार क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जिस समय ज्ञानदेव, आपको बता दें जो कि थाना रोजा का रहने वाला है, उसके गोली लगी, उसके बाद में रिजवान के गोली लगी, उसके बाद में रोड पर राहगीर निकल लिया था शानू, उसके गोली लगी, लेकिन दो की मौत हुई और एक गंभीर रूप से घायल बाखूबी आप देख रहे हैं। जिस समय जिला अस्पताल लाया गया, पुलिस लेकर आई तो डॉक्टरों के अनुसार मृत घोषित हुए दोनों, लेकिन इसी बीच तीसरा आ गया। जब तीसरा आ गया, तीसरे से पूछा गया तो बताया उसने कि हम रास्ते में से निकल रहे थे और अंधाधुंध गोली चली जिससे शानू भी हो गया घायल। लेकिन मामला बात को खुलावा खुला जिस समय ज्ञानदेव का भाई आया, उसने ये बताया कि गांव के तीन लोगों ने धमकी दी थी और कहा था जान से मार देंगे। लड़का अमरीश यह खतरनाक है कि अमरीश इसी पास तीन लोग होंगे जी लोग पहले भैया घर में घुसे थे। अच्छा, तब इन लोगों ने कहा था कि तुमको मार देंगे। ये रहते कहाँ ये? जमालपुर थाना कांट रवजा। कब कहा था मार देंगे तुम्हें? अरे भैया जब से चलते हैं कि लड़ाई करें क्या हम और सुना आपने। और आपको एक बात और बता दें कि ज्ञानदेव और उसके दोनों भाई धारा 307 में बंद थे, जो अभी 15 दिन पहले जेल से छूट किया है। लेकिन सवाल ये उठता है, ज्ञानदेव की रंजिश चल रही थी लेकिन रिजवान और शानू के गोली कैसे लगी? लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जिस समय ज्ञानदेव के ऊपर गोली चलाई होगी तो रिजवान और शानू बीच में आ गए। उधर रिजवान के परिवार वालों का ये कहना है कि खाना खाकर मेरा भाई निकला था और किसी से झगड़ा भी नहीं था। दूसरी तरफ ये भी कहना है कि एक मोमोज की दुकान खुली है जो कल खुली है, जिसी को लेकर विवाद भी हो सकता है। लेकिन कुल मिला के पुलिस जांच में जुटी हुई है। और रिजवान के गोली कैसे लगी अभी तक पुलिस इस तहकीकात में लगी हुई है, लेकिन कोई भी निशान, कोई भी स्कूलू नहीं मिल रहा। बाखूबी आप देख रहे हैं, आनंद फानंद शानू को जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन जब शानू से पूछा गया तो उसका यह कहना था मेरे सामने गोली चल रही थी और मैं उधर से निकला तो मेरे गोली लग गई। हालांकि पुलिस ने भी पूछताछ करी, उसने क्या कुछ बताया हम आपको सुनवाते हैं। और रिजवान के परिवार वालों को जब पता चला तो रोते बिलखते चले आए, लेकिन उन्होंने एक बात आकर कही कि परसों एक दुकान खुली थी मोमोज की, वहीं पर भीड़ लगी रहती थी। ये वो दुकान खुली है नहीं, उसके जरिए से अभी खुली है, परसों वही चली गोली, वही महल्ला परसों खुली, परसों दुकान का ही खुली दुकान, किसी को क्या पता वो निकल लाया था। दुकान का ही खुली परसों का ही खुली दुकान। अरे परसों जैसी थी मिमोस, मिमोस के खुली है। हालांकि आपको बता दें कि परिवार वालों का कहना था कि यही घर की जिम्मेदारी रिजवान उठा रहा था और शौकर का काम करता था। ये रिजवान करते क्या थे? इनकी छाकर की दुकान थी कचेरी के पास और इन्हीं के ऊपर सारा खर्चा चल लिया था। कितने भाई बहन है ये? ये तीन भाई हैं, दो बहन, तीन भाई नहीं, तीन बहन, तीन भाई, तीन बहन, एक सिस्टर की शादी हो गई। ये बड़े हैं? हाँ, ये सबसे बड़े भाई, हम सबसे बड़े हैं। अच्छा, इनके पिताजी? इनके पिताजी एक्सपायर हो गए भी साल डेढ़ साल दो साल पहले, वो भी सिलाई का काम करते थे लुधियाने में। घर कौन चलाता था? हाँ, अब खर्चा ये चलाते थे, बाकी एक इनका भाई लुधियाने में काम करता था, वो भी टेलरिंग का। हाँ, अब ये जो है इनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी थी, ये यहीं रहते थे तो अपना घर का खर्चा चल जाता था। दो बहनें जो है अनमैरिड थी और उनका खर्चा है अपना है, तो यही सब देखता वालता था। हालांकि आनंद फानंद मौके पे एसपी सिटी पहुंचे, पहुंचने के बाद में जब उनसे पूछा तो उनका ये कहना था कि गोली चली लेकिन गोली चलने की जद में ये लोग आ गए। और हालांकि एक पकड़ा भी गया है, लेकिन उनका ये कहना था कि जल्द ही खुलासा होगा और तत्काल जांच करने के आदेश दे दिए गए हैं।